हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अभी आप हम लोग आ गए हैं घर पे। रात के तो 10 बजे आ गए थे और यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको कैसा लग रहा था? हम चल गया था तो अच्छा खराब लग रहा लग था रहा भाई। होगा। आप सब लोग एक साथ थे तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा लग रहा था हमको भी कि चल जाना चाहिए। अब इनको भी लेके जाएंगे लोग, छोड़ेंगे लो नहीं। हम खुद लेके जाएंगे इनको। अब इतना दिन से ये हम लोग को घुमा रहे थे, अब हम लोग घुमाएंगे इनको। तो गाइज अच्छा लगा है रुद्र पूजा के यहाँ जाके उनके घर, और बहुत बढ़िया लगा कि हम लोग को लेके गया लो लोग घर। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह माने 9 बज रहा है गाइज। यहाँ घड़ी में देखिए 9 बज रहा है। 9 बजे हम लोग तो उठ गए हैं, 6:30 में उठ गए हैं लोग। लेकिन ये सब सामान को सेटिंग करना है कि कहाँ कहाँ देना है, क्या करना है, अब हटाना है जल्दी, इसलिए कि रंजना के लिए भी मिठाई वगैरह बनवाना है। ये सारा गिफ्ट मिला है यहाँ, तो इसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे लोग, आप लोग को दिखाएंगे लोग कि क्या क्या मिला है इसमें। तो अभी ऐसे आप लोग झोला देख के पता लगा सकते हैं कि कुछ कुछ सब्सक्राइबर भी आए थे लो तो उन लोग भी दिया है। और यहाँ पर भी ये सब मिला है। तो पॉकेट एक मनीषा का है, एक हमारा है, और एक ये लोग जीता है लो वो है, और एक सचिन जीते थे वो है। तो 4 को गिफ्ट घर में आया है। और यहाँ देखते हैं रंजना अभी क्या कर रही है। तो पहले आप लोग को अपने मंदिर से यहाँ बाल गोपाल को निकाल कर रख दिया है लोग उसमें, और यहाँ पे पूजा कर ली है रंजना। पूजा हो गया है, मंदिर में रख दिए बाल गोपाल को। रंजना मंदिर में रखाया है बाल गोपाल को, तुम निकाल करके। तो मनीषा भी उठ के नहा लिया कि नहीं? तो ये भी अभी नहा लिया। और ये देखिए रंजना पूजा वूजा करके नहा के यहाँ आटा सना गया है। और बहुत जल्द हम लोग के लिए, बाप रे कितना तेल डाली है जी रंजना, तेल है नहीं, अरे फ्राई करना है भाई। तेल आलू में इतना ज्यादा कौन डालता है? गुदली का थोड़ा होता है तो नहीं बन जाता है, बहुत ज्यादा तेल है, आधा केजी से ज्यादा तेल काढ़ो इसको। तो पानी डालिए कि तेल डालिए? गाइस देखिए कितना तेल डाली हुई है, इतना कौन खाता है तेल? एक ही बार आधा किलो तेल डाल दी है, 250 से ज्यादा। इसको ऐसे करके साइड से निकालते सब, कोई अच्छा सा सब्जी बनता है ना तो उसमें थोड़ा लगता है। ये बंधा गोभी आलू का सब्जी में इतना कौन तेल डालता है? तो यहाँ पर ये तैयार हो गई है। बोलो, गुड मॉर्निंग। हाँ अभी तो हम सुबह में उठकर, आज थोड़ा लेट हो गया लेकिन फिर मैं उठकर जल्दी जल्दी नहा ली और रेडी हो गई। रेडी होने के बाद फिर मम्मी जी को काढ़ा दी और गर्म पानी, फिर उसके बाद पूजा पाठ कर कर और फिर नाश्ता में लग के। नाश्ता बन रहा है, 10 बजे ले बन जाएगा, अभी 9 बज गया है। और मनीषा उठी है? हाँ मनीषा उठी है तो का की है? ये बैठ के आग सेक रही है मनीषा। तो अब यहाँ पर खाना पीना बन जाए जल्दी से। ये ठंडा है थोड़ा, लेकिन थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी धूप नहीं निकल रहा है तो इसके वजह से तेल निकाल दो, आधा से बेसी तेल निकालो उसमें से जी। और चलते हैं दिखाने। तू मनीषा ये कपड़ा जब तक नहीं कोई काम है तो कपड़ा फोल्ड कर लो। क्या हो रहा है? ए बाबू देखिएगा जी, ये सोए हैं, इनका अभी नींद पूरा हो रहा है। उठो, 9 बज गया। अब यहाँ पर ये टंगाए हुए हैं, पापा का फोन चेंज कर दिया चाय, वो तो पूरा सो गए। तो यहाँ पे चाय बन के आ गया है और मनीषा बना के दिया है। बहुत ठंड है, काफ़ी ठंड है,
तो नहा धोवा के एक ये शॉल ओढ़े हैं, स्वेटर पहने हैं, और यहाँ कटसुल का कपड़ा पहने हैं। देखिए यहाँ मोटा कपड़ा पहने हैं कटसुल वाला, और यहाँ स्वेटर पहन लिए हैं और एक शॉल भी ओढ़े हैं। ठंडा काफ़ी है और उस पर से भी देखिए यहाँ पर हीटर चल रहा है, तो यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ चाय अभी गर्मा गर्म, सुबह का चाय पिए थे, रेड चाय, दूध नहीं था, हम लोग नहीं थे घर पे तो दूध नहीं आ रहा था। दो तीन दिन पहले से आया था तो अंकल जी पी रहे थे वो दूध, तो अभी हम बोले हैं आया है 11 बजे दूध आया है आज, तो बोले हैं चाय बना दो थोड़ा पीना है, तो मनीषा बना के लाई है। यहाँ पर खड़ी है और ये भी इनर पहनी है, मोजा पहन लो और पैर रंगने से ना गाइस, सुंदर लगता है पैर, लेकिन ये रंगती नहीं है सब, नहीं रंगे हुए थे गांव में, छूट गया। और ये स्वेटर कैसा लग रहा है खरीद के लाए, इनर भी हम पहने हैं, अंदर इनर भी पहनी है, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, आज ठंड काफी है इसके लिए, नहीं हो रहा है। बाल वाला झाड़ी है, झाड़े इस साइड से झाड़े थे तो स्ट्रेट हुआ है ना, मेरा उसी लिए फ्लॉक जा रहा है बहुत ज्यादा, मेरा भी बालवा सीधा कर दिया है सब, तो सिल्की हो गया है, तो इसमें वो तेल लगाएंगे तब तो अच्छे से झाड़ेंगे, अभी उलझ गया है। कल रात को ही सोच रहे थे लगा ले, फिर हम लोग का तो अच्छा था सीधा करवाए, जो लोग ऐसे ऐसे करवाए वो उनका तो एकदम जल्दी बाल धोना पड़ गया था, क्योंकि ना स्प्रे मारने से ना वो एकदम टाइट हार्ड हो जाता है। और तू अपना काम करके जल्दी से कपड़ा हटा दो, सब फोल्ड करके, उसके बाद वहाँ पर गए, देखिए इतना रखल है, यहाँ पर इतना रखल है, ये सब रंजना फिस फिस के रखी है। अब हम लोग का काम है कि उसको फोल्ड कर दें, फोल्ड करके रख दें जहाँ तहाँ जहाँ रखना है। उसके बाद से आज पूरा सफाई करना है घर को, थोड़ा किचन को साफ सफाई करके कल मिठाई बनेगा, तो उसमें भीड़ रहेगा, तो बड़ बहुरानी बैठी हैं तो इनका भी काम है कि कुछ कुछ करेंगी, लड्डू बनेंगी तब फिर कल दो तीन दिन के बाद चल जाएगी, तब तुमको सब काम पड़ जाएगा। रंजना मतलब है तो थोड़ा अच्छा लगता है, वो मतलब काम भी कर लेती है जल्दी जल्दी जल्दी। अभी हम रहते हैं तो मम्मी को काढ़ा बना के दे देती है, अब सवेरे अभी बना के देंगे, पहले हम देते थे बना के, लेकिन अब रंजना आई है तो रंजना ही पहले देती है, बाकी हम होता है तो चाय वगैरह बना देते हैं। रंजना खाना बना दे रही थी, खिला दे रही है, अच्छा है, मिल बांट के अपना कर ले लो। वो बोलती है कि आप भाभी आप मैं कुछ भी काम मत करिए, बस मेरे साथ रहिए, क्योंकि किचन में थोड़ा अकेले अच्छा नहीं लगता ना, बातचीत करने में अच्छा लगता है, बातचीत करते करते ना बन भी जाता है जल्दी जल्दी खाना। अब किसको किसको ये प्यार अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अच्छा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे।